हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लावर हैं उसके चार पार्ट होते हैं, वो कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन, सॉरी एंड्रोशियम और गाइनोशियम के रूप में होते हैं। फिर हमने जो एंड्रोशियम है उसके पार्ट को पढ़ा था स्टेमन, और फिर स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एंथर एंड फिलामेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये वाली जो स्ट्रक्चर हमने कल आपको समझाई थी, ये आपको पता लग गया होगा, ये क्या है? फिलामेंट। और ये क्या था? एंथर। और इस एंथर के यहां पर एक ये डीप ग्रू था। क्या था ये? डीप ग्रू। और ये दोनों क्या थी इसकी? लोब, यानी कि ये दोनों लोब थे। फिर हमने इसको यहां से पीछे आपको थोड़ा सा ये कट करके दिखा था, इंटरनली दिखाने की कोशिश की थी कि ये किस तरीके से ऐसे दिखाई देता है। यानी कि अगर हम इसको बीच से काट के देखेंगे तो हमें ये इस तरीके के, इसमें ये चार चैम्बर आपको दिखाई दिए थे। ये एक लोब है और ये इसके दो चैम्बर, और ये दूसरी लोब है, इसके ये दो चैम्बर। अब यानी कि अब इसी को अब हम क्या कर रहे हैं? जूम। और जूम करके हम क्या देखना चाह रहे हैं? एंथर की स्ट्रक्चर कि यानी कि ये किस तरीके से इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स, लेयर या टिश्यू इसके अंदर भरा हुआ है, जिसके कारण इसकी इस तरीके की शेप आती है। तो यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब इस वाली चीज को हम क्या करने लग रहे हैं? जूम। देखें यानी कि ये जब हम इस जो एंथर है, एंथर का अगर हम टीएस काटते हैं तो हमें ये लगभग कुछ इस तरीके का ऐसे ये सर्कुलर सा दिखाई देता है। यानी कि जब टीएस ऑफ एंथर देखेंगे तो इस तरीके के आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसको हम थोड़ा सा फाइन करेंगे, यानी कि ये हमारी इस तरफ की एक लोब है ये वाली, और इस तरफ की ये एक लोब है ये वाली। इसको थोड़ा सा खूब ध्यान से ऐसे सीखना है, ठीक है? तो ये लगभग ऐसे, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, या हम ये भी कह सकते हैं टीएस ऑफ एंथर, यानी के एंथर का टीएस। अब देखेंगे यानी के इसके ये चार चैम्बर है। अब ये दो लोब है, इधर वाली ध्यान से देखें, ये मान लीजिए लोब वन इधर से, और ये लोब टू। तो इधर ये लोब एक लोब, ये इधर वाली जिसमें ये दो चैम्बर हैं, इधर वाले ये दो चैम्बर, ये यानी कि एक लोब और दो चैम्बर, ये पूरी एक लोब है और ये एक लोब है। तो इसके अंदर में कितने चैम्बर हैं? दो, यानी कि ये दो चैम्बर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मैंने बताया था कि ये जो एंटीरियर साइड की तरफ एक ये डीप जो ग्रू है, ये वही वाला है जो इसको हम देख रहे हैं। तो ये है डीप ग्रू, और जो ये पीछे की तरफ यहां से जो ये अटैच हैं, ये दोनों, इसको हम क्या कह रहे हैं? कनेक्टिव, कनेक्टिव। इसमें वस्कुलर स्ट्रैंड होते हैं। एंथर के अंदर जो भोजन और वाटर की जो सप्लाई होती है वो इस कनेक्टिव के माध्यम से होती है, क्योंकि इसमें वस्कुलर स्ट्रैंड पाए जाते हैं। अब ये जो इधर वाले ये दो, ये एक लोब के
दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि एक लोब के अंदर आपको ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं, एक ये एक ये, तो ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों इस सेलो ग्रू से अलग है, यानी कि एक डीप सेलो ग्रू ही है जो इन दोनों को क्या करती है अलग। ये इस तरफ भी है, ये सेलो ग्रू इस तरफ भी है, इस तरफ भी, इस तरफ भी ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया को अलग करती है और इस तरफ भी ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया को अलग करती है। और ये डीप सेलो, इसको हम स्ट्रोमियम कहेंगे, क्या कहेंगे, स्ट्रोमियम, स्ट्रोमियम, यानी कि जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, जब इसमें पोलन ग्रेन बन जाएंगे, तो ये जो डिसेंस होगा, यानी कि जो पोलन ग्रेन को जो ये स्प्रेड करेगा, तो वो इस डीप जो सेलो ग्रू है ये दोनों तरफ, जिसको हम क्या कह रहे हैं स्ट्रोमियम, इसकी तरफ से ये इनको बाहर की तरफ रिलीज करेगा। तो ये क्या है, डीप सेलो ग्रू को हम क्या कह रहे हैं स्ट्रोमियम, ये डीप ग्रू है ही। ये डीप ग्रू तो दो लोब को अलग करती है, लेकिन ये स्ट्रोमियम या जो सेलो ग्रू है ये दो माइक्रोस्पोरेंजियम को अलग करती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी और स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करें, तो आप यह देख सकते हैं इसके अंदर, अब यानी कि जो टीएस ऑफ एंथर, अगर हम एंथर का टीएस काटते हैं, टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब टीएस, तो टीएस ऑफ एंथर ग्यू कैसी सी शेप दी है इसकी, लगभग सर्कुलर, क्यू ऑलमोस्ट सर्कुलर, सर्कुलर से अगर हम एंथर का टीएस काटते हैं तो वो लगभग गोल सी एक शेप देता है, ऐसे सर्कुलर से। इन एंथर कितने चैंबर दिखाई देने लग रहे हैं, चार, इन एंथर फोर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम आर विजिबल, इसमें ये जो चार माइक्रोस्पोरेंजियम है ये विजिबल है, चार, ये वाला ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो एंथर की जो आउटर वॉल है उसको हम क्या कह रहे हैं, एपिडर्मिस, आउटर वॉल ऑफ एंथर, उसको हम क्या कह रहे हैं, एपिडर्मिस। तो ये हमारी जो आउटर वॉल है ये क्या है, एपिडर्मिस, तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं, क्या है ये, एपिडर्मिस, ये मैं लाइन के रूप में दिखा रहा हूं। एक्चुअली इसमें आप सबको पता है क्या होती है, ऐसे सेल्स होती हैं, आपने अनाटॉमी के अंदर मोनोकोट, डाइकोट, स्टेम, रूट और लीफ के अंदर इनके सेक्शन जब उनके काटे थे, तो वो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और इस तरीके से रिप्रेजेंट की थी, तो वो भी ऐसे ही है। जो आउटर लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस। अब मैं जैसे ये एक सेक्शन की तरफ इसको दिखा देता हूं, ये जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर मैं जिसकी बात करने लग रहा हूं वो क्या है, एपिडर्मिस। अब इसके नीचे एक लेयर और होती है, लेकिन वो थोड़ी सी कैसी होती है, थिक लेयर होती है, क्योंकि यहां जो सेलुलोज होती है उसकी डिपोजिशन होती है, थिक लेयर, और इस थिक लेयर को हम क्या कहेंगे, इसके नीचे ये पूरी के अंदर ऐसे चलती है ऐसे, यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, और फिर ये जो एक थिक लेयर मैंने दिखाई है, तो ये सिंगल लेयर है लेकिन इससे थिक है ये, इसको हम एंडोथीसियम कहेंगे, एंडोथीसियम, क्या नाम आ जाएगा इसका, एंडोथीसियम, ई एन
DOTHECIUM एंडोथीसियम। एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर की है, एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर की है। अंतर क्या है, जो एंडोथीसियम की जो लेयर है वो थिक होती है, क्योंकि उसकी वॉल जो सेल है एंडोथीसियम के अंदर, उनकी वॉल में सेलुलोज की क्या होती है, थिकनी। अब यानी कि आप समझ सकते हैं ये एंडोथीसियम ऐसे पूरे उसके ऊपर है बेटा, ये ऐसे पूरी जितनी भी एपिडर्मिस है उसके पूरे हिस्से में। अब इसके ऊपर तीन, एक से तीन लेयर्स होती हैं। जैसे हम ये मैं वैसे दिखा दूं, जैसे ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर, तीसरी यानी कि एक से एक लेयर भी हो सकती है, ये दो लेयर भी हो सकती है और ये तीन लेयर, ऐसे इसके ऊपर होगा बेटा। यानी कि इसके ऊपर एक लेयर, फिर ये दूसरी लेयर और फिर ये तीसरी लेयर, और फिर इसके ऊपर एंडोथीसियम, और फिर सबसे ऊपर एपिडर्मिस। तो ये जो वन टू या थ्री, ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है या तीन भी हो सकती है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम मिडल लेयर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मिडल लेयर्स। और ये मिडल लेयर कितनी होती हैं, वन टू थ्री, एक से लेके तीन तक ये मिडल लेयर्स होती हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं केवल इसी हिस्से को समझा रहा हूं, जो बातें यहां होंगी वही बातें यहां होंगी, वही बातें यहां और वही की वही लागू वहां पर होंगी। अब देखेंगे ध्यान से, सबसे ऊपर की जो कवरिंग होती है पूरे एंथर के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर होती है थिक सी, एक लेयर होती है थिक, जैसे कि मैंने ये दिखाई यहां पर, ये इतने हिस्से में दिखाई होती तो ये पूरे हिस्से में है, बट इसी को दिखाया तो उसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोथीसियम। अब एंडोथीसियम के नीचे ये लेयर ही है जो मैंने लाइन के रूप में दिखाई है, एक्चुअली इसमें ये सेल है बेटा ये, क्योंकि अब इसमें मैं ये पूरी सेल बनाऊंगा तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने ये एक लेयर की बनाई है ऐसे, ये इसी तरीके से ये भी लेयर होती है, इसी तरीके से ये भी लेयर होती है। तो एक दो और तीन, ये जो तीनों लेयर हैं, ये तीनों लेयर एक या दो या तीन, इनको मिला के क्या कहते हैं, मिडल लेयर। अब जो ये वाली लेयर है बिल्कुल, ये भी थिक सेल से बनी हुई होती है। ये जो अंदर वाली, जो सबसे अंदर वाली है वो थिक सेल से बनी हुई है, और इसका नाम टैपीटम है। क्या नाम है, टैपीटम। और इस टैपीटम के नीचे ये जो टिश्यू भरा हुआ है, ये पूरा टिश्यू, ये टिश्यू स्पोरोजिनस टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो आप ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम को देखने लग रहे हैं, जैसे जे एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसी तरीके से दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम भी है, और ये दूसरे दो भी ऐसे ही है। अब इसको मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूं, जो ये वाला जो माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको ध्यान से देख ले, सेम बातें इन पर लागू होंगी। तो जो ये वाला माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें सबसे ऊपर वाली लेयर है, उस ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, ठीक। और फिर उससे नीचे एक लेयर और है, एक लेयर ये और प्रेजेंट होती है जो एपिडर्मिस के नीचे होती है। वो है तो सिंगल लेयर की, लेकिन उसके अंदर जो सेल्स हैं वो थिक हैं, क्योंकि उनकी वॉल में सेलुलोज की थिकनिंग होती है। उस लेयर को हम क्या कहेंगे, एंडोथीसियम। अब इस एंडोथीसियम के नीचे एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, वन टू थ्री और लेयर है। यानी कि एंडोथीसियम ये वाली लेयर होगी, एक ये लेयर, एक ये लेयर, एक ये लेयर, तो एक से लेके तीन लेयर और
पोजीशन के नीचे, उनको हम क्या कहेंगे, मिडल लेयर्स, राइट। अब मिडल लेयर के नीचे एक लेयर और है थिक, एंडोथीसियम जैसी थिक है वो, वो सिंगल लेयर है बट उसके अंदर भी सेल क्या है, थिक। और इस लेयर को हम क्या कहेंगे, टैपीटम। तो आप समझ सकते हैं, और टैपीटम के अंदर की तरफ जो टिश्यू है, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है वो क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू। अब इसको रिवर्स ऐसे पढ़ सकते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम ये वाला है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम है, चार है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या भरा हुआ है, स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक बात। अब स्पोरोजेनस टिश्यू किसने कवर कर रखा है, एक थिक लेयर ने, और उस थिक लेयर का नाम क्या है, टैपीटम, ठीक है। ये टैपीटम किसने कवर कर रखी है, एक दो या तीन लेयर्स ने, उन तीन, एक दो तीन लेयर्स को हम क्या कह सकते हैं, मिडल लेयर्स। अब मिडल लेयर को कौन ढके हुए है, कौन कवर किए हुए है, एंडोथीसियम, और फिर एंडोथीसियम को कौन ढके हुए है, एपिडर्मिस। सेम ये बात, सेम ये बात, और सेम ये बात होती है, ठीक है। अब आप समझ गए, यानी कि अब जो ये हमारा एंथर है, एंथर, मैं इस चीज को भी रखता हूं आपके लिए, जो हमारा ये एंथर है, एंथर, अभी हमने इसको जो टीएस काट के देखा है, एंथर के पास दो चीजें हैं, एक तो वॉल, एक तो क्या है, वॉल्स, और दूसरा क्या है, सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब वॉल में आपने क्या क्या देखा था, वॉल के अंदर सबसे ऊपर कौन सी थी, एपिडर्मिस, उसके नीचे क्या थी, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, उसके नीचे क्या थी, एक से तीन मिडल लेयर्स, क्या थी, एक से तीन मिडल लेयर्स, और उसके नीचे क्या थी, टैपीटम। यानी कि ये वाली सारी जो लेयर्स हैं ये मिलके इस एंथर की या माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल बनाती हैं। यानी कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इनकी वॉल किस किस रूप में प्रेजेंट होती है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, उसके नीचे मिडल लेयर्स, और फिर टैपीटम। ये भी क्या है, थिक लेयर, और ये भी क्या है, थिक लेयर, ठीक है। ये दोनों जो एंडोथीसियम और टैपीटम है वो दोनों क्या है, थिक लेयर, और फिर जो सेंटर में है, सेंटर में वो क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू। इस स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या प्रेजेंट होती है, स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल का क्या होगा, मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस, तो क्या बन जाएंगे, स्पोर, और उस स्पोर को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। तो आप समझ सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या भरा हुआ है, स्पोरोजेनस टिश्यू, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमने बताया था आपको, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम किसको कहते हैं, पोलन सैक को, यानी कि पिछले लेक्चर में हमने बताया जो पोलन सैक है उसी को हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या है, स्पोर मदर सेल। अब जो स्पोर मदर सेल है उनका क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस होने से क्या बनेंगे, स्पोर, और उन्हीं स्पोर को हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन।
तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे पोलन ग्रेन, या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर। लेकिन इस माइक्रोस्पोरेंजियम को यानी कि इस स्पोरोजिनस टिश्यू को कौन प्रोटेक्टेड किए हुए है वॉल्स, और वो वॉल कौन कौन सी है ये मैंने आपको यहां पर बताई है से। ठीक है, तो यानी कि अब आप समझ सकते हैं ये क्या क्या करेंगी। अब ये तो पता लग गया आपको कि ये क्या है स्पोरोजिनस टिश्यू प्लास्ट में चल के माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाएगा। अब हम इनके रोल करते हैं जो ये हमारी ये जो तीन जो अब इसको भी आप समझ सकते हैं थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, ये जो चारों प्रकार की जो वॉल हैं ये आर्केस्पोरियल टिश्यू से पैदा हुए हैं, आर्केस्पोरियल टिश्यू से, यानी कि हम कह सकते हैं एंथर के अंदर केवल दो प्रकार का टिश्यू होता है, एक आर्केस्पोरियल टिश्यू और दूसरा स्पोरोजिनस टिश्यू। दूसरा कौन सा है स्पोरोजिनस टिश्यू। अब आप समझ गए होंगे आर्केस्पोरियल टिश्यू से क्या बनती है एंथर की वॉल, यानी कि ये पूरे का पूरा आर्केस्पोरियल टिश्यू है जिसने एंथर की वॉल बनाई है, वो ये वॉल एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडल लेयर और टेपिटम। अब इन सभी को छोड़ के अब जो जो सेंट्रल ये वाला टिश्यू जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि एंथर के अंदर कितने प्रकार का टिश्यू होता है तो आप बताएं दो प्रकार का, एक तो आर्केस्पोरियल टिश्यू, आर्केस्पोरियल टिश्यू क्या बनाएगा वॉल बनाएगा जो कि एंथर की प्रोटेक्शन में मदद करेंगे, और दूसरा कौन सा टिश्यू है स्पोरोजिनस टिश्यू, वो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा स्पोर बनाएगा। स्पोर क्या है माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर को हम क्या कहते हैं पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन को आगे चल के क्या बनाने हैं मेल गैमेट। इसलिए जो ये स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है। अब हम रोल करते हैं, जैसे अब हम इसका तो पता लग गया कि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाएगा स्पोर। अब जो ये लेयर्स हैं हमारी, अब थोड़ी सी बात आपको समझनी है, यानी कि एपिडर्मिस एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन, क्योंकि ये वॉल एंथर की क्या करेंगी सुरक्षा है, इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन एज वेल एज, ये भी थोड़ी सी बात आपको ध्यान देनी है, एज वेल एज हेल्प इन डिसेंस ऑफ एंथर, डिसेंस ऑफ एंथर यानी कि डिसेंस का मतलब होता है रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, जो डिसेंस का मतलब है रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है और पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो उन पोलन ग्रेन को इस एंथर से बाहर रिलीज करना पड़ता है ताकि पोलिनेशन हो जाए। अब उस रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन को ही हम क्या कह रहे हैं डिसेंस ऑफ एंथर, यानी कि जो ये लेयर्स थी हमारी इन्होंने कितने काम किए दो, एक तो क्या काम किया प्रोटेक्शन का और दूसरा क्या काम किया डिसेंस ऑफ एंथर एट मैच्योरिटी, जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा। अब ये कहां से करेगा यानी कि ये जो एंथर है कहां से फटेगा, ये सेलो ग्रु से फटेगा और इसका नाम मैंने बताया था स्ट्रोमियम, यानी कि एंथर रिलीज देयर पोलन ग्रेन
पोर्लर में ग्रेन फ्रॉम स्टोमियम, कहां से स्टोमियम, स्टोमियम यानी के जो दो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में एक सेलो ग्रू था, उस सेलो ग्रू को हमने क्या कहा था, स्टोमियम। आप डायग्राम में देखेंगे यानी के एक जब एंथर डिसेंस होने लग रहा होता है मैच्योर होके, तो उसके दोनों साइड में स्टोमियम है और स्टोमियम से पोलन ग्रेन आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। आपकी बुक में टीएस ऑफ एंथर के दो डायग्राम है, एक टीएस ऑफ एंथर की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो डायग्राम है वो डिसेंस ऑफ एंथर को रिप्रेजेंट करता है जब वो एंथर मैच्योर हो जाता है। तो एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो एंथर है ये कहां से डिसेंस होता है, तो आपको बताना है स्टोमियम। स्टोमियम को हम लाइन ऑफ डिसेंस बोलते हैं, लाइन ऑफ डिसेंस यानी कि ये वो लाइन है जहां से एंथर का डिसेंस होगा, यानी कि पोलन ग्रेन यहां से रिलीज होंगे। तो ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर थी, एंथर की, और एंथर की वॉल जो ऊपर की तीन वॉल हैं उनका ये वाला रोल है। क्या क्या रोल है, एक तो प्रोटेक्शन में और दूसरा डिसेंस ऑफ एंथर में। डिसेंस ऑफ एंथर कहां से होगा, स्ट्रोमियम से। स्ट्रोमियम आपको पता है दो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में एक सेलो ग्रू है, उसको हम कहते हैं। इस लाइन से ही यहां पर जो एंथर है उसका डिसेंस होगा, इसलिए स्टोमियम को हम लाइन ऑफ डिसेंस कह सकते हैं। अब हमारी बचती है टेपिटम, जो ये थिक लेयर थी। टेपिटम क्या बता सकते हैं कि टेपिटम का क्या रोल है, टेपिटम ये इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ टेपिटम, टेपिटम इट इज ए सिंगल लेयर मेड अप ऑफ थिक सेल्स। मैंने आपको बताया था थिक सेल्स क्यों है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फाइबरस टिश्यू, यानी के जो फाइबरस टिश्यू है सेलुलोज है वो उससे ये थिक है। इट प्रोटेक्ट स्पोरोजिनस टिश्यू, रोल हो जाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू। आप ये बताओ स्पोरोजिनस टिश्यू को जो ये ऊपर वाला जो सारी वॉल है इससे बचाता है, तो टेपिटम है, तो टेपिटम स्पोरोजिनस टिश्यू को भी बचाती है। दूसरा नरिश, NORISH, नरिश किसको नरिश करेगी, जो ये एंथर है या जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसको भोजन भी देगी टेपिटम। नरिश स्पोरोजिनस टिश्यू। तीसरा रोल क्या है टेपिटम का, जो पोलन ग्रेन इसमें बनेंगे उसकी वॉल भी बनाएगी टेपिटम, हेल्पिंग सिंथेसिस ऑफ वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन है पोलन ग्रेन उसकी वॉल को बनाने में भी टेपिटम का रोल है। और जो पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल होती है उसको हम एग्जाइन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये टेपिटम है ये पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल होती है एग्जाइन उसको भी बनाने में मदद करती है। और चौथा रोल क्या है टेपिटम का, सिंथेसाइज कैलेज एंजाइम जो किसको डिग्रेड करेगा, ये कैलेज एंजाइम कैलोज किसके ऊपर पाई जाती है, माइक्रोस्पोर के ऊपर।
तो आप समझ सकते हैं माइक्रोस्पोर जो बनेंगे उसके ऊपर एक लेयर होती है कैलोज की लेयर, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए कैलेज एंजाइम भी कौन प्रोड्यूस करेगा? टैपेटम। तो टैपेटम के कितने रोल हुए? चार। टैपेटम क्या करती है? प्रोटेक्शन भी करती है स्पोरोजेनस टिश्यू का। टैपेटम क्या करती है? स्पोरोजेनस टिश्यू को भोजन भी देती है। टैपेटम क्या करती है? पोलर ग्रेन की एक्साइल वॉल को भी बनाती है। और टैपेटम माइक्रोस्पोर के ऊपर जो पोलर ग्रेन के ऊपर जो कैलोज की लेयर होती है उसको भी डिग्रेड करने में मदद करती है। तो ये था हमारा टीएस ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो मैं इसको समराइज करता हूं, इसमें दो टिश्यू हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू एंड वॉल टिश्यू। वॉल टिश्यू किसने बनाया? आर्केस्पोरियल टिश्यू ने। आर्केस्पोरियल टिश्यू वो टिश्यू है जो पूरे एंथर में प्रेजेंट होता है। सिर्फ स्पोरोजेनस टिश्यू को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे एंथर के अंदर जो टिश्यू है वो आर्केस्पोरियल टिश्यू है। आर्केस्पोरियल टिश्यू चार प्रकार की वॉल बनाता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम। आपने एपिडर्मिस, मिडल लेयर और एंडोथीसियम का रोल किया। जब मैच्योर हो जाता है एंथर तो ये सेल श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और पोलिनेशन सॉरी डीसेंस ऑफ एंथर में मदद करती हैं। टैपेटम के हमने ये रोल अभी आपको बताए, ये टैपेटम के ये चार रोल हैं। अब दूसरा बचता है हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू। जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो टिश्यू उसमें क्या है? स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल डिप्लोइड होती है। अगर उनका मियोसिस होगा तो वो हमें हैप्लोइड स्पोर देंगे, और वो हैप्लोइड स्पोर ही क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोर। और उस माइक्रोस्पोर को हम क्या कह रहे हैं? पोलन ग्रेन। इसलिए जिस चैम्बर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हो उस चैम्बर को पोलन चैम्बर कहते हैं, उस चैम्बर को पोलन सैक कहते हैं, उस चैम्बर को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो ये था हमारा एंथर, डाइथिकस एंथर, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। तो ये जनरली डाइकोट के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे किस तरीके से इस स्पोरोजेनस टिश्यू से स्पोर बनते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके।